वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हम हैं अभी हरियाणा जिले में, कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा स्टेट में, और यहां पर एक ज्योतिसर नामक जगह जहां पर महाभारत की लड़ाई का शुरुआत हुआ था, और यहीं पर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या घूमने को मिलता है। और यहाँ पर जो तालाब है दोस्तों, इसी को ज्योतिसर तालाब बोला जाता है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ से देख सकते हो जिस प्रकार से डिजाइनिंग वगैरह बनाए हुए हैं। तो चलिए आप अंदर लेकर चलते हैं। सो भाई जैसे आप आओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको व्यू देखने को मिलेगा। आसपास तो बहुत ही प्यारा सरोवर वगैरह बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आपको। और यहाँ पर वट वृक्ष जो है ये बहुत ही प्राचीन नगम है। कहा जाता है कि यहाँ से ही भगवान कृष्ण यही बरगद के नीचे आपका महाभारत का युद्ध देखा और वहीं से युद्ध हुआ, और साथ ही यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर के पहले दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ से आप कुछ कुछ सामानें परचेज कर सकते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ से फिर अंदर जाने में है मंदिर वगैरह। चलिए सूट वगैरह निकाल लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ से मंदिर के अंदर है, चलिए चलते हैं। तो गाइस ये मंदिर का एंट्रेंस आप देख सकते हो। ज्योतिसर आओगे तो ज्योतिसर मतलब ज्योति का अर्थ है प्रकाश, और सर्क मतलब है तालाब। तो यहाँ पर प्रकाश का तालाब है, कुछ इस प्रकार से फाउंटेन वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भारी आक्रमणों के साक्षी है। यहाँ पर एक शिव मंदिर को दिखाते हैं, देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से शिवलिंग, और बहुत ही प्राचीन यहाँ पर देख सकते हो वट वृक्ष बरगद का वृक्ष है। चलिए मैं चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ उपदेश है, और यहीं पर है जो गीता का उपदेश दिया है, ये माना जाता है यहाँ कई स्थानीय लोगों के द्वारा। बरगद का पेड़ नया लग रहा है मेरे को। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कृष्णा जी का जो है अर्जुन का है, और यहीं पर लिखा है गीता उपदेश स्थल बोल के। तो दोस्तों यहीं से ही महाभारत का लड़ाई स्टार्ट हुआ था। उससे पहले कृष्णा जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसके लिए देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है बरगद के पेड़ में, यहाँ पर मन्नतों का धागा बांधे हुए हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कृष्णा जी और अर्जुन का रथ में कुछ इस प्रकार से स्टैचू बनाए हुए हैं, और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर आसपास। और यहाँ से देख सकते हो ये बरगद का पेड़ को ही यहाँ कर सकते, इसी के नीचे गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को कृष्णा जी ने, यह माना जाता है। और यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और आसपास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इतना ही है, छोटा छोटा मंदिर बनाए हुए हैं। और एक सरोवर है जो कि ज्योतिसर बोला जाता है, यही वो जगह है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था वो, और यहीं से महाभारत का लड़ाई स्टार्ट हुआ था ये माना जाता है यहाँ से। और यहाँ पर देख सकते हो हनुमान जी और इन सबका एक छोटा छोटा सा मंदिर है, ये देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर भी देख सकते हो मंदिर, और यहाँ पर भी मंदिर। और दोस्तों यहीं पर कहा जाता है ये चीज़ भी, और मान्यताएं हैं कि भगवान कृष्ण जी ने आपका दशावतार का यहीं पर अर्जुन जी को दर्शन दिया थे बोल के, ये भी मान्यताएं हैं। और यहीं एक देख सकते हैं एक सरोवर है बहुत ही, यहाँ पर लाइटिंग शो वगैरह भी होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से, जो कि नाइट में होता है। और यहाँ का 30 रुपये चार्ज है। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बरगद के पेड़ हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर बंदर है बहुत है, तो आप जब भी आते हैं तो थोड़ा देख के आइएगा और बंदरों से बच करिएगा। चलिए और भी मंदिरों को दिखाते हैं। और अगर आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो इस जगह भी घूमिए, ये महाभारत से जुड़ी हुई जगह है और बहुत ही साफ सुथरा जगह है। चलिए और भी आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस घूम चुके हैं हम ज्योतिसर, और आसपास के भी ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा छोटा मंदिर है, नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है उसको आप देख सकते हो। चलिए और भी आपको आसपास का एरिया वाली जो जो देखने को है उसको दिखाते हैं। और यहाँ पर श्री श्री गुरु भवन है, यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है,
और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हर एक गीता के बारे में लिखा हुआ है, स्लोगन है, स्लोगन यहाँ से छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, देख सकते हो आप सरस्वती मंदिर सॉरी और यहाँ पर गीता मंदिर देख सकते हो और लक्ष्मी नारायण मंदिर नित्य अर्जुन कृष्ण और तो यहाँ पर सभी छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाए गए उसको भी आप देख सकते हो आसपास। और यहाँ पर है प्राचीन शिव मंदिर बाहरी आक्रमण के साक्षाई के बोल के यहाँ से और यहाँ पर और बटपुन और यहाँ से एक सरोवर का एक बार अच्छा देख सकते ये पूरा एरिया भी है यहाँ से लेकर ये पूरा यही मेन जगह है बाकी और कुछ नहीं है देख सकते हो। और यहाँ पर जो पर्वत है बरगद के पेड़ को देख सकते हो बहुत ही प्राचीन है यहाँ पर भी आप आ सकते हो और यहाँ से सरोवर के कुछ इस प्रकार से एरियल है ये एंट्रेंस है एंट्रेंस आप जाओगे सीधा आपका गीता उपदेश स्थान है और वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है बाकी छोटे छोटे मंदिर को यहाँ से लाइन है तो ज्योतिषर आओगे जब आप कुरुक्षेत्र में तो इतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से और देख सकते हो एरियल भी यहाँ पर काली मंदिर शिव मंदिर और भी देखने को मिल जाएगा और ये का एंट्रेंस दरवाज़ा देख सकते हो जिस प्रकार से चलिए और कैसा लगा यहाँ का यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जवाहर, जय सत्यनारायण।